तो हम आप आज को बताने जा रहे हैं कि प्रेम क्या है और प्रेम कितने प्रकार का होता है। प्रेम भैया तीन तरह के होता है। प्रेम जो आकर्षण से मिलता है वो पहला प्रेम होता है, और दूसरा प्रेम जो है सुख सुविधा से मिलता है वो प्यार होता है, और एक जो है दिव्य प्रेम बोले तो ऊपरीय शक्ति से अल्लाह खुदाला से और ऊपर वाले से मिलता है, जो उसके अधीन हो जाते हैं। दुनिया भाखर में जाए लेकिन हम उसी से उसी जिस भगवान के दिमाग लगा देते कि हमारे उनके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। और प्रेम जो आकर्षण से मिलता है, जैसे एक खूबसूरत लड़की को हम देखते हैं जींस पहनी है टी शर्ट पहनी है मोटरबल लिपस्टिक है, वो उसके आगे आकर्षित हो जाते हैं, ठीक अपने की कोशिश करते हैं। तो क्या है सर वो प्रेम क्या है? एक क्षणभंगुर प्रेम है, वो जो है क्षणभंगुर प्रेम है, वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो आकर्षण का प्रेम है। हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही वो प्रेम नहीं है। तो सिर्फ जो एक जो होता है जो प्रेम जो सुख सुविधा से मिलता है, जिसे कोई आपको कोई सुख सुविधा खूब देता है, जैसे कि चाहे बुढ़ा ही हो, जैसे कि आपने देखा होगा एक पिक्चर में एक और है जो हीरोइन है कि 60 साल की आदमी से शादी कर लेती है, कौन है बताइए, उस हीरोइन का नाम बताइए। अरे आप लोग नहीं बता पा रहे, जैसे कि आप ऐश्वर्या राय है तो वो भी तो पैसे के लिए शादी करी ना सर, सुख सुविधा के लिए शादी करी, जैसे कि उसका कोई तो जोड़ी ही नहीं बनता है। लेकिन ऐश्वर्या राय भी क्या करी, पहले सुख सुविधा के लिए उसको अमिताभ बच्चन के लड़के को शादी करती है। इसके पहले भी एक और है जी हीरोइन जो आपको नाम बता रहे, श्रीदेवी है जो भी आपको एजेड आदमी से शादी करती है। इसके पहले एक और जो है जूही चावला का नाम सुना होगा, जो कि उसका हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, अपने से अपने बाप के एज के इंसान से शादी करती है। तो आपने देखा कि सुख सुविधा का प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो तो सुख सुविधा से प्रेम कर रही है, वो उस इंसान से नहीं कर रही है। तो आपने देखा कि प्रेम का प्रकार, और ये जो प्रेम है दिव्य प्रेम, मतलब तो हम अपने को अपने उस जो उस ऊपर वाला जो आत्मा से हम इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, जैसे मीरा ने कृष्ण भगवान से किया, राधे ने भी कृष्ण भगवान से किया, सुदामा ने भी कृष्ण भगवान से किया। सुदामा की बात आती है तो आपको बता दिव्य प्रेम का मिसाल है और दोस्ती का भी मिसाल है सर। सुदामा जी बहुत गरीब थे, उनके बच्चे दूध के बिना रोते थे, तो उनकी बीवी जो थोड़ा चावल भीख भाग के लाते थे उसी को सिलबट्टे पर पीस करके पानी मिला के बोलती लो बेटा दूध है। लेकिन कभी भी कभी लालच नहीं किए, वही तो प्रेम था। सुदामा जी की बीवी बोलती है कि आप जाइए, आपके दोस्त जो है कृष्ण भगवान बहुत अमीर हो चुके हैं, उनके पास जाइए तो हम दौलत देंगे आपको, आपका घर भर जाएगा। लेकिन सुदामा जी को हिम्मत नहीं होती है, बोलती कि हम उनसे प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाला कभी डिमांड नहीं करता है। इंसान देखिएगा जो आपको प्रेम करेगा वो कब कभी आपसे कुछ मांगेगा नहीं, प्रेम के बदले में वो प्रेम ही मांगेगा। अगर आप प्रेम के बीच में अगर कोई डिमांड आता है तो समझिए कि वहाँ पर प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। अगर कोई आपको पैसे मांगता है, जो भी प्रेम किया, हेलो डार्लिंग कैसे हो, अरे ठीक है क्या जी, आप कितने पैसे वाले हो और आपसे मैं लव करती हूँ, बेटे नेकलेस 5 लाख का मॉडल निकला है ना उसको बनवा दीजिए ना, तो प्रेम नहीं है। अरे आप तो डैडी बहुत कमाते हैं, मेरे को एक आईकॉन में आईफोन दिला दो ना, क्या आपको कमी है, तो आईफोन दिलवा दो, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो आपके दिखावे के लिए प्रेम है। प्रेम वो है जिसमें कोई लेन देन नहीं होता है किसी के प्रति, उसको ट्रांसपेरेंट प्रेम बोलते हैं, उसको ही प्रेम बोलते हैं सर। तो दिव्य प्रेम जो होता है सर, जैसे कि मीरा ने किया कृष्ण भगवान से, सुदामा जी से करते हैं, वो जाते हैं भगवान के पास फिर भी कुछ नहीं मांगते हैं, और जाने के टाइम में लोग भेंट लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा चावल लेके जाते हैं, और जैसे चावल उठाते हैं कृष्ण भगवान अपने दोस्त की दुर्दशा को देख करके, और उनको गेट से अंदर ले जाते जाते जब ना मालूम तब सुदामा जी आए तो आ जाते हैं, और अब थाली लेते हैं उसमें पानी से उनका पैर पकाने शुरू करते हैं,
तो उनकी आंसुओं से ही इतने पानी गिरता है, अपने दोस्त को हालत देख करके उनको पैर धो देते हैं और सारे कपड़े चेंज कर आते हैं, फिर बोलते हैं फिर भी बोलो सुदामा, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं। प्रेम में कभी लेन देन का मतलब नहीं निकलता है। तो हम आजकल क्या करते हैं, किसी दोस्त को बनाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो उसे हम कुछ मांग लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्रेम उधार की कैची है। लव इज ए सीजर ऑफ क्या, क्रेडिट इज ए सीजर ऑफ लव। तो प्रेम जो है उधार की कैची है। अगर आप किसी से प्रेम बेतहा करते हो तो उसे कभी भी लाइफ में कुछ डिमांड नहीं करना मेरे दोस्त। तो आपने देखा कि कितना लोगों में प्रेम है, जैसे आपसे आज लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, प्रेम के नाम पर दिखावा करते जा रहे हैं। इसलिए आज संसार में इतनी सारी महामारी आती है। पहले लोगों में बहुत प्रेम थी, चाहे भाई भाई हो, आज तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज बहन में चार बहन होती है तो और एक बहन का स्टेटस थोड़ा अच्छा हो जाता है तो तीन बहनों को वो नीचा इतना गिरा के रखती है, सोचती है कि समाज में बोलने बोल भी नहीं पाती है कि मेरा भाई है और बहन है, क्योंकि उसका स्टेटस उन लोग से बहुत ज्यादा हो जाता है। और आज का इतिहास जो है प्रेम का वर्ड बोलने के लायक नहीं है। तो आपने देखा कि प्रेम कितने तरह के होते हैं सर। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। आप सेफ रहिए और स्वच्छ रहिए। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाए, प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ संध्या एंटरप्राइजेस।